रात 9 बजे की खबरों में आपका स्वागत है पेप्टिक टाइम पर। सबसे पहले देखते हैं 9 बजे रात की खबरों को। छतरपुर में आज गहोई समाज के द्वारा गहोई दिवस का शुभारंभ एक शोभा यात्रा के माध्यम से किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले गहोई दिवस की शुरुआत सहम्बी मंडपम से निकाली गई शोभा यात्रा के माध्यम से हुई। इस शोभा यात्रा में भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाएं चल रही थी और गहोई समाज के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने इस शोभा यात्रा का में सहभागिता की। इस मौके पर कई स्थानों पर समाज के लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा सहम्बी मंडपम से गल्ला मंडी में स्थित गहोई धाम पहुंची, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इस गहोई दिवस समारोह के अंतर्गत 3 दिनों तक समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें सामूहिक विवाह समारोह भी शामिल है। छतरपुर के शिक्षा जगत से जुड़ी है अगली खबर। छतरपुर के प्री स्कूल के माहौल में एक नया स्कूल भी अब जुड़ गया है। बिजावर रोड पर शीतल बुंदेला और दीपेंद्र सिंह बुंदेला ने मिलकर आरंभ प्ले स्कूल की शुरुआत की है। इस स्कूल का शुभारंभ राज्य मंत्री ललिता यादव और नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह की मौजूदगी में किया गया। इन नेताओं ने रिबन काटकर इस स्कूल का शुभारंभ किया, साथ ही इस स्कूल के संचालकों को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। आज 21 जनवरी को हमारे स्कूल का उद्घाटन हुआ है, ओपनिंग सेरेमनी हुई है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रहे हमारी छतरपुर क्षेत्र की विधायक श्रीमती ललिता यादव जी एवं उनके साथ में श्रीमती अर्चना सिंह जी, जो कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं अभी, और उनके कर कमलों के उनके कर कमलों के द्वारा उनके आशीर्वाद के साथ आज इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है। बच्चों के लिए हम प्लेग्राउंड दे रखा है, एक छोटा सा स्प्लैश पूल है जिससे उनका पानी का डर दूर हो, एक मंच बना रखा है जिससे स्टेज फियर कहलाता है कि बच्चे बोलने में घबराते हैं तो वो सब दूर होगा। इसके साथ ही एक एक्टिविटी हॉल दे रखा है जिससे कि बच्चों को उभरने का मौका मिले, उनकी प्रतिभा निखारने का पूरा प्रयास करेंगे। आज हमारे स्कूल आरंभ का शुभारंभ हुआ है। ये स्कूल उन नन्हे मुन्ने सभी बच्चों के लिए है जिन्हें आगे चल के हमारा फ्यूचर बनना है, और छोटे बच्चे अक्सर ही बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी जिज्ञासा शांत ना करने के बजाय उसे जितना बढ़ावा मिल सके ये उसी सोच में बनाया गया है। स्कूल में बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा मिलेगा, उनकी हर क्यूरियोसिटी को पूरा किया जाएगा और उसी से ही वो आगे चल के हमारे भविष्य के एक सुंदर नागरिक बन पाएंगे।